हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूथ ट्रेन चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए यूथ ट्रेन चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किन्नर समाज के बारे में जिज्ञासा हर किसी में होती है, मगर हम में से अधिकांश लोग उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। लोग जानना चाहते हैं कि अक्सर किसी मांगलिक मौके या सड़कों और ट्रेन में मिलने वाले इन किन्नरों का जीवन कैसा होता है, क्या इनका भी विवाह होता है, इनके देवी देवता कौन होते हैं। ऐसा कई सवाल है जो प्रायः हर किसी के मन में कौंधते रहता है। इसलिए आइए जानते हैं किन्नरों के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जिन्हें हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते। प्रभु श्री राम की वनवास की कथा तो देश में हर किसी को मालूम है। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या से चलने लगे तो उनकी प्रजा और किन्नर समुदाय भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। भगवान राम ने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को अयोध्या में रहने के लिए तैयार किया। लंका विजय के बाद जब श्री राम 14 साल के बाद वापस अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि बाकी लोग तो चले गए थे लेकिन किन्नर वहीं पर बने रहे। उनकी भक्ति से भगवान राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने किन्नरों को वरदान दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित होगा। तब से बच्चे के जन्म और विवाह आदि मांगलिक कार्यों में किन्नर लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद को लोग काफी फलदायी मानते हैं। किन्नर समुदाय में भी गुरु शिष्य की परंपरा का पूरी तरह पालन किया जाता है। किन्नर समुदाय का गुरु भी खुद पैदाइशी किन्नर होता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर के गुरु को इस बात का आभास हो जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। किन्नरों की मृत्यु के बाद उनके शव यात्रा रात में निकाली जाती है ताकि लोग उसे देख ना सके। कुंभ मेले में भी किन्नर समुदाय विशेष रूप से शामिल होते हैं। वैसे तो देश में साधुओं के 13 अखाड़े हैं, लेकिन अब किन्नरों ने भी अपना एक अलग से अखाड़ा बना लिया है जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं। किन्नर समाज में किसी नए सदस्य को शामिल करने के भी नियम हैं। किन्नरों के समूह में नए सदस्य को शामिल करने से पहले नाच गाना और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। आश्चर्य वाली बात यह है कि आम लोगों की तरह किन्नर समाज के सदस्य भी वैवाहिक बंधनों में बंधते हैं। किन्नर अपने आराध्य देव अरावण से विवाह करते हैं, लेकिन इनका विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। मान्यता है कि शादी के अगले दिन किन्नरों के अरावण देवता की मृत्यु के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। किन्नरों को दिया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है, लेकिन ज्योतिषविदों के मुताबिक किन्नरों को दिए गए दान से जहां किस्मत संवरती है, वहीं यह भी माना जाता है कि उन्हें कुछ वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। कुछ वस्तुओं का दान आपके जीवन में दुर्भाग्य लाता है। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो कभी भूल कर भी किन्नरों को स्टील का बर्तन, पुराने कपड़े, तेल और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं दान में नहीं देना चाहिए। किन्नरों को दिया गया ऐसा दान न सिर्फ आपके घर में भारी दुर्भाग्य लाएगा बल्कि परिजनों की सेहत पर भी बुरा असर डालेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।